जाके कृपा पंगु गिर लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। हम उस ईश्वर के संतान है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी माँ के पास क्या कमी है, विष्णु के पास क्या कमी है धन की, कुबेर के पास क्या कमी है धन की, कोई कमी नहीं है। लेकिन हम मांगने से डरते हैं, हम मांगने से कतराते हैं, हम मांगने से भयभीत होते हैं। जब मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना धन चाहिए, आप बड़े संकोच में पड़ जाएंगे और संकट में पड़ जाएंगे, क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। कुछ लोग तो बता सकते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए। ज्यादा सोचने के लिए हिम्मत नहीं होती है, सोच नहीं पाता है मस्तिष्क कि मैं क्या करूंगा पैसे का, कैसे संभालूंगा मैं, कैसे आ सकता है अविश्वास, नो फेथ। कि मांगने से मिलता है इस बात पे लोगों को विश्वास ही नहीं है, कि चाहने से मिलता है इस पे लोगों को भरोसा ही नहीं है। लेकिन केवल मांगते रहने से नहीं होगा, मांगने में भिखारीपन नहीं चाहिए, मांगने में एक विधायक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ में मांगना चाहिए। यदि ईश्वर से मांगते हैं तो भिखारी की तरह यदि मांगेंगे, सोच यदि भिखारी वाला है तो अवश्य ही आपको नहीं मिलेगा। बाइबल में कहते हैं कि दोज विल बी गिवन हु हैव एंड इट विल टेकन अवे फ्रॉम दोज हु डोंट हैव। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आपके पास है तो आपको दिया जाएगा और आपके पास नहीं है तो छीन लिया जाएगा आपसे। किसकी बात कर रहे हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया जाएगा? इच्छा शक्ति, आपकी सोचने की प्रवृत्ति, आपके विधायक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड जिसको होगा उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है ये पॉजिटिव थॉट्स उससे छीन लिया जाएगा। गरीब गरीब होता जाएगा और धनी धनी होता जाएगा। धनी का मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑलरेडी धन है तो आप और धनी बनने के बाद में यहां कर रहा हूं, नहीं। यदि आपका मस्तिष्क धन को आकर्षित करने के लिए तैयार है और आपने तैयार कर लिया है, आपने ठान लिया है, आपने सोच लिया है कि आपके पास पैसा आना है तो पैसा जरूर आएगा। क्योंकि भिखारी की तरह मांगेंगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, आप जानते हैं। जब कटोरा लेके मांगने चलेंगे तो आपको भीख भी नहीं मिलती, आप जानते हैं, और बिन मांगे मोती मिले। देखिए ईश्वर की कैसी करुणा होती है, न प्रकृति के कैसे नियम होते हैं, इसको समझिए आप। गरीबी के बारे में सोचेंगे, गरीबी में संतुष्ट रहना सीखेंगे, आप भाग्य को दोषारोपण करेंगे, दोष देंगे, ये नेगेटिव अप्रोच है लाइफ के प्रति। दोष देना किसी को, ब्लेम करना किसी को कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये जो ब्लेम की जो एटीट्यूड होती है इससे कुछ नहीं मिलता। आप देखिए जो लोग ब्लेम करते हैं, घूमते रहते हैं घर वालों को चारों तरफ कि इन्होंने कुछ नहीं किया, भाई ने कुछ नहीं किया, पिताजी ने कुछ नहीं किया मेरे, और उसी में ही दिन रात सोचते रहते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है उस प्रकार से जिंदगी जीते हुए गरीब के गरीब रहते हैं। जो ये ब्लेम नहीं करता है और अपने माइंड को पॉजिटिव बनाता है और ईश्वर पे भरोसा रखता है, फेथ रखता है ईश्वर पे, और अपने इच्छा शक्ति से कर्म करता है, फल की इच्छा बिना किए, जो लास्ट वीडियो में कुछ बताया था मैंने कि दिमाग आपके आज के काम में होना चाहिए, कल के फल में नहीं। हम कल में नहीं जी सकते हैं, जीना वर्तमान में है और आज और अभी जीना है। यदि अभी आप तय करते हैं इसके बारे में तो इसको कार्यान्वित करना शुरू करें, इसको एक्शन में लाने की प्रक्रिया चालू करें। यू कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड स्टे इन द फ्यूचर एंड थिंक दैट समथिंग विल कम टू इन द प्रेजेंट, ऐसा होता नहीं है। यदि आप पास्ट में रहते हैं, विगत जिंदगी में रहते हैं, ब्लेम में, किसने क्या किया था, क्यों आपका नुकसान हो गया था, किसने आपको धोखा दिया था, तो ये आपकी एनर्जी को डिप्लीट करती है, इट सक्स योर एनर्जी, उसमें आपके सब एनर्जी खर्च हो जाती है। यदि आप फ्यूचर में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं, तो भी आपकी ऊर्जा
उस दिशा प्रभावित होती है और वर्तमान में मिलता है आपको केवल खालीपन. द प्रेजेंट इज वैकेंट, देयर इज नथिंग इन द प्रेजेंट. वेयर इज द एनर्जी इन द प्रेजेंट? बिकॉज योर माइंड इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द पास्ट और द फ्यूचर. तो ये पास्ट फ्यूचर की इस वृत्ति में यदि मन आपका भटकता रहेगा तो वर्तमान में आप कब जिएंगे, क्योंकि आपको सोचना है जो है धन के बारे में अभी सोच रहा है, ये नहीं कि 10 साल बाद क्या होने वाला है या 10 साल पहले क्या हुआ था आपकी जिंदगी में. उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है. मतलब इस बात से सिर्फ है कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या मुझे विश्वास है मेरे खुद के ऊपर और मेरे परम पिता ईश्वर के ऊपर. मुझे विश्वास है कि वो मेरा देखभाल करेंगे. एक छोटा बच्चा भी अपने पिता पर विश्वास करता है. एक छोटा बच्चा ही बोलता है कि देखो मैं मेरे पापा को बोलूंगा मुझे लाके दे देंगे. गरीब बच्चा भी होता है, मेरे पापा को बोलूंगा मुझे एरोप्लेन लाके दे देंगे. कितना विश्वास है देखिए, इनोसेंस कितनी है देखिए बच्चे में अपने पिता के प्रति. और आप कहते हैं कि आप शिक्षित हैं, आप मेच्योर हैं, आप समझदार हैं और आप अपने परम पिता पर विश्वास नहीं करते हैं. यू हैव नो फेथ इन गॉड एंड हिज पावर्स. इसलिए तो आप दरिद्रता में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं. जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि मेरे ऊपर किसकी छत्रछाया है और परमपिता का छत्रछाया है, भगवान का छत्रछाया है, मुझे भरोसा भगवान का है, जब ये बात को मन में बहुत गहरी आप बैठ लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, तो आपके अंदर उस ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाता है जो कि ये पूरे जो ब्रह्मांड है जो इधर से घिरा हुआ है, जहां सभी शक्तियां समाहित है, वो आपकी तरफ अनायास आकर्षित होने लगती है और आप अपने आप को पाते हैं कि आप अचानक बलशाली बनते जा रहे हैं. और आपके पास वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं जो कि दूसरे कभी सोच नहीं पाते हैं. और आप ऐसे कुछ करने लगते हैं, ऐसे कुछ निर्माण करने लगते हैं जिससे आपको देखता है कि आप देखते हैं कि आपको धन की प्राप्ति होने लगती है. संघर्ष करते करते आदमी कितने बार फेल हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा कुछ घट जाता है, ऐसी कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, ऐसे कुछ लोगों से आदमी जुड़ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में कभी उसने कल्पना नहीं की थी. दैट्स अ ब्रेक थ्रू हैपेंस. सक्सेस जो आता है अचानक आता है. आप काम करते रहिए, कर्मण्येवाधिक रस्तु मा फलेषु कदाचन. काम करते रहिए, काम करते करते मन में धारणा रखते रहिए कि धन मेरे पास आ रहा है, धन मेरे पास आ रहा है, मैं प्रतिदिन धनशाली बनता जा रहा हूं. इस प्रकार की बातें आप निरंतर सोचते रहने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन और मस्तिष्क में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि इथर्स में जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव जो विधायक जो प्रक्रियाएं घट रही हैं, जो शक्तियां हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं. जो अपने आप की मदद करते हैं उन्हें ईश्वरीय मदद करता है. पूरी कायनात आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाती है. लेकिन सोच होनी चाहिए, सोच पे थोड़ी धार होनी चाहिए, सोच पे निष्ठा होनी चाहिए, सोच पे विश्वास होना चाहिए, सोच पे श्रद्धा होनी चाहिए. तो इस बात को मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि बिना साधन के, बिना अर्थ के भी बड़े बड़े काम का शुरुआत किया जा सकता है, नींव धरी जा सकती है. शुरुआत कैसे भी हो, छोटे से शुरुआत हो सकती है. एक बीज से छोटा सा पौधा ही बनता है और फिर एक दिन बरगद का पेड़ बन जाता है, आपका पेड़ बन जाता है. यदि कोई एक बीज को देखे और कहे कि मैं कैसे कल्पना करूं कि इस बीज के अंदर में इतने बड़ा बरगद का पेड़ छुपा हुआ है, इतने बड़ा आम का पेड़ छुपा हुआ है, इतने हजारों आम इसमें से आएंगे, एक आम से कैसे संभव हो सकता है, इसमें से इतना बड़ा वृक्ष कैसे निकलेगा, कितना मिस्टिकल लगता है, मिस्ट्री लगता है. वैसे ही ये बातें हैं जो आपसे मैं कह रहा हूं, ये ऐसा ही है. तो ये बीज को क्रिएट करना है. जैसे कहते हैं ना कि शिवलिंग स्वयंभू होता है, वैसे ये बीज भी स्वयंभू आपके अंदर से जागृत पैदा होगा. इससे ही वो वृक्ष आएगा, उससे ही वो फल आएंगे. लेकिन बीज को देख देख के फल की कल्पना करते रहने से कुछ होने वाला नहीं है. अभी आपको बीज पे ध्यान देना है,
इस बीज पे श्रद्धा करनी है, इस बीज पे ही आपको अपनी पूरी चेतना को समाहित करके इसको संवारना है, इसको निखारना है और इसको पौधा बनने के लिए मौका देना है, परिवेश देना है, खाद देना है। खाद है आपका फेथ, आपका विश्वास। फेथ के बिना कोई सक्सेस नहीं आता, विश्वास के बिना कुछ भी फलवती नहीं होती है। करते जाइए, करते करते आप देखेंगे ये विश्वास जो है कहां से कहां आपको लेके जा सकता है। तो इंटेंशन, आपका विश, आपका डिजायर और आपका फेथ, इसका सम्मिश्रण से आपका बीज तैयार होगा। ये आपकी शुरुआत है, ये आपका पहला कदम है। फिर आप बोलेंगे इस कदम से क्या हो जाएगा, कैसे दूर जाऊंगा, मैं आपसे कहानी कहूं। एक गुरु और शिष्य चल रहे थे, जा रहे थे जंगल में और अंधेरा होने को आया। गुरु के पास एक लैंटर्न था, लैंटर्न को जलाया, उस टिमटिमाते रोशनी में थोड़ा बहुत जगह दिखाई पड़ता था आसपास का। उन्होंने अपने चेले को दे दिया, बोला कि इसको पकड़ लो और चलो आगे आगे। शिष्य ने यह सवाल किया कि गुरु, गुरु जी ये छोटा सा लैंटर जिसकी कि एक कदम से दूसरे कदम तक भी दिखाई नहीं पड़ता है सड़क, ये पगडंडी, ये जंगल, ये अंधेरी रात, इतनी बड़ी बीहर जंगल, इसमें हम कैसे जाएंगे। गुरु ने कहा पागल, एक एक कदम तो दिखाई पड़ रहा है ना, तो एक एक कदम बढ़ाते जा इस लैंटर्न की रोशनी में, तो चलते जा। और चलते गए और रात भर में पूरी जंगल पार कर ली और सुबह हो गया और जहां हमको पहुंचना था पहुंच गए। तब शिष्यों को समझ में आई कि एक एक कदम की रोशनी काफी होती है जिंदगी में बढ़ने के लिए। तो जब मैं कहता हूं कि आपका पहला कदम है तो डरने की जरूरत नहीं है। एक कदम दो कदम बनता है, दो से चार बनता है, 16 बनते हैं, 64 बनते हैं। इस प्रकार से कदम पे कदम बढ़ाए चलने से ही जिंदगी के गंतव्य स्थल पर पहुंचा जाना संभव होता है। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, आपका दोस्त, इंतजार करें अगले वीडियो का। नमस्कार।